नारायणगढ़ लघु सचिवालय में आज स्थानीय वकीलों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किसानों के आंदोलन और उनकी मांगों के समर्थन एवं तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिया, जिसका पत्रकार मंच नारायणगढ़, पैरामिलिट्री फोर्स के सेवानिवृत्त जवानों और मानवाधिकार संस्था नारायणगढ़ के संगठनों ने भी समर्थन किया। नारायणगढ़ से हमारे संवाददाता बरखाराम धीमान की रिपोर्ट। आज नारायणगढ़ के वकील साथियों ने जो किसानों का आंदोलन पूरे देश में विशेषकर हरियाणा और पंजाब में चल रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नारायणगढ़ उपमंडल कार्यालय में दिया। आप सब जानते हैं कि जो तीन कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किए, जिनमें न किसान संगठनों से और न खेत के किसान, खेत में काम करने वाले किसान, अन्नदाता किसान से कुछ सरकार की तरफ से कोई विचार विमर्श किया गया, उससे कुछ सलाह मशवरा या पूछताछ की गई। सीधे तौर पर अगर कहें, केंद्र सरकार ने उन तीनों कानूनों को लोकतंत्र का गला घोटते हुए जबरन किसानों के ऊपर थोपने का काम किया। अगर सरकारी ही आंकड़ों की बात करें तो हर वर्ष 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या मरने के लिए मजबूर होते हैं। खेती और किसानी जो बर्बादी के कगार पर सरकार की गलत नीतियों के कारण पहुंच चुकी है, उसको और ज्यादा बर्बाद करने के काम केंद्र सरकार के इन तीन कानूनों ने किया। इन तीन कानूनों के खिलाफ जो हरियाणा और पंजाब का किसान लामबंद है, आंदोलनरत है, उसके ऊपर जो सरकार ने जबरन रास्ता रोककर मुकदमे दर्ज करने का काम किया, जो सरकारों ने पानी की बोछार इस कड़कड़ाती ठंड में किसान के ऊपर, उस अन्नदाता किसान के ऊपर जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है उसके ऊपर लाठियां भांजने का काम किया, मुकदमे दर्ज करने का काम किया, उस किसान को समर्थन और सहयोग करने के लिए नारायणगढ़ बार एसोसिएशन के वकील सदस्यों ने, जिसमें नारायणगढ़ प्रेस क्लब के साथियों ने भी सहयोग दिया और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड जवान हैं उन्होंने भी इस आज के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में किसानों का साथ दिया। किसानों का समर्थन करने के लिए हरियाणा सरकार और भारत सरकार को यह बताने के लिए कि देश का अन्नदाता किसान अकेला नहीं है, प्रेस के साथी उसके साथ हैं, और दूसरा हर एक बुद्धिजीवी तबका, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, सब किसानों के साथ उनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज जो नारायणगढ़ के वकील साथी हैं ज्यादातर खेती और किसानी की बैकग्राउंड से जुड़े हैं, उनकी पृष्ठभूमि खेती और किसानी की रही है, और इन हालातों में हमने ये जरूरी समझा कि हमें अन्नदाता किसान के साथ उसकी इस लड़ाई में उसका साथ देना चाहिए, और इसी के मद्देनजर हमने आज उन केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों, जिनको काले कानून भी कहते हैं, उनका विरोध करने के लिए और किसानों का सहयोग करने के लिए, किसानों का समर्थन करने के लिए, उनको ये आश्वासन देने के लिए कि हम किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ हैं, और सरकार ने जो जागती जो जुर्म किसानों के ऊपर किया, जो तीन कृषि कानूनों के माध्यम से खेती और किसानी को बर्बाद करने का काम केंद्र सरकार करने जा रही है, उसके खिलाफ ये आज का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सभी वकील साथियों ने, प्रेस के साथियों ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भूतपूर्व सैनिक है, रिटायर्ड जवान है, उन सब ने इसमें सहयोग दिया और समर्थन दिया।